हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोफाइलोमीटर। सब्जेक्ट का नाम है मेट्रोलॉजी एंड कंट्रोल और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। सो प्रोफाइलोमीटर समझने से पहले कुछ टर्म्स और कुछ चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोफाइलोमीटर। पहले हम डिस्कस करते हैं सरफेस फिनिश या सरफेस टेक्सचर। तो इसे हम कॉमन भाषा में समझ सकते हैं कि सरफेस का स्मूथनेस या रफनेस। तो सरफेस के रफनेस के बारे में अगर बात करें तो सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटी होती है, जो उबड़ खाबड़ लगता है हमें जब हम फील करते हैं, सो अगर ऊंचाई है तो उसे हिल कहा जाता है, अगर ढलान है तो उसे वैली कहा जाता है जो सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और ये जो हिल और वैली है, ठीक है, वो अलग अलग हाइट की होती है और उसके बीच में जो गैप्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो इन जनरल सरफेस रफनेस की बात करें तो वो क्या है, इररेगुलरिटी किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर जो हमारा वर्क पीस है, और ये हिल और वैली रहती है, ठीक है, जो ऊबड़ खाबड़ जब हम फील करते हैं सरफेस को तो हमको महसूस होता है। तो ये सरफेस रफनेस किस तरह से आता है, आ सकता है वाइब्रेशन से। अगर वर्क पीस जो है उसका मशीनिंग हो रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है या मशीन जो है वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी वजह से सरफेस रफनेस का जो ये है आ सकता है। और मटेरियल जो वर्क पीस है जिसको हम मशीन कर रहे हैं या जो टूल जिससे हम मशीन कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है उससे भी सरफेस रफनेस पे अफेक्ट हो सकता है। मशीनिंग प्रोसेस, हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वेदर ये ग्राइंडिंग है, वेदर ये मिलिंग है, वेदर ये शेपिंग है, लेथ ऑपरेशन है, तो उसके ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस रफनेस में जो मशीन है उसका कंडीशन भी के सरफेस रफनेस को अफेक्ट कर सकता है। फिक्चर है, जिस तरह से हमने जॉब को पकड़ा हुआ है ताकि वो वाइब्रेट ना हो या ठीक से मशीनिंग हो, सो फिक्चर से भी जो सरफेस के रफनेस पे अफेक्ट हो सकता है। कटिंग पैरामीटर्स जैसे कि स्पीड, फीड या डेप्थ ऑफ कट, ओके, कि कितना स्पीड से हम कटिंग कर रहे हैं या कितने डेप्थ पे हम कटिंग कर रहे हैं। फिर कूलेंट, किस तरह का कूलेंट यूज हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहा है, ठीक है, और किस तरह का यूज हो रहा है। और दूसरा, जो सरफेस फिनिश इंप्रूव करके हमें क्या एडवांटेजेस हो सकता है, जो वर्क पीस है उसका क्या हो जाएगा, सर्विस लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा और वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और सिंस उबड़ खाबड़ जब कम रहेगा तो करोजन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दो मेथड्स हैं सरफेस फिनिश जो है उसको मेजर करने के, एक जो है कंपेरिजन मेथड, जब हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं या मेजर करना कॉस्टली हो जाता है तो हम कंपैरिजन से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन मेथड जो है वो एक क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है, क्योंकि हमें पास जो क्वांटिटी जो है या वैल्यू है ये कितना, सो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिससे सरफेस के बारे में हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू रफनेस का नहीं मिलेगा। जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सरफेस है यानी कि जो वर्क पीस का सरफेस है, यानी जो इसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे स्पेसिमेन के साथ जिसका सरफेस जो है उसका रफनेस वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। सो लेकिन जो सरफेस है जिसका टेस्टिंग करना है और जो स्पेसिमेन है जिसका रफनेस वैल्यू पता है, ये दोनों भी सिमिलर मशीनिंग प्रोसेस से मशीन होना चाहिए, तब जाके हम कंपेरिजन कर सकते हैं। मेथड्स अगर हम बात करें कंपैरिजन मेथड्स की, तो एक होता है विजुअल मेथड, हम देख के बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं, या उसकी सरफेस के हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं या माइक्रोस्कोप के अंडर हम इसको देख सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है इंस्पेक्शन के लिए जो हम कंपैरिजन मेथड यूज करके कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड है, कि इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। तो ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है जहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, सरफेस रफनेस की। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज कर सकते हैं वो है प्रोफाइलोमीटर या टॉमलिंसन सरफेस मीटर। तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो अब हम देखते हैं प्रोफाइलोमीटर के बारे में। सो ये है प्रोफाइलोमीटर। सो इस डिस्कशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन, बाद में वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन में प्रोफाइलोमीटर के दो यूनिट होते हैं, एक होता है ट्रेसर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रेसर, ठीक है, और दूसरा होता है एम्पलीफायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग आने वाली है सरफेस से वो बहुत ही छोटी होगी, तो उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है।
ओके सो प्रेसर क्या होता है? प्रेसर फाइनली पॉइंटेड स्टाइलस, तो यहाँ पे पॉइंटेड होता है ताकि वो सरफेस पे घूम के उसकी रीडिंग ले सके, ठीक है। और ये हमें दिख रहा है सरफेस जिसे टेस्ट करना है, इसके ऊपर स्टाइलस या ट्रेसर जो है वो घूमेगा, ठीक है। और ये जो स्टाइलस है ओके या ट्रेसर है वो कहाँ पे माउंटेड है? वो माउंटेड है पिकअप यूनिट के अंदर, ये जो दिख रहा है टोटली इसे कहते हैं पिकअप यूनिट। और उसके अंदर क्या क्या है पिकअप यूनिट के अंदर? उसके अंदर है इंडक्शन कॉइल, ठीक है, और साथ में जो दिख रहा है यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहती है यहाँ पे, ठीक है। सो स्टाइलस या प्रोब या ट्रेसर जो कि है माउंटेड पिकअप यूनिट में जिसके अंदर है इंडक्शन कॉइल, ओके, जो लोकेटेड है इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इंडक्शन कॉइल है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग। सो जब ट्रेसर सरफेस पे घूमता है, ठीक है, ये वर्क सरफेस जहां पे जिसका टेस्टिंग करना है, जब ट्रेसर या स्टाइलस या प्रोब इसके ऊपर घूमता है, सो ये जो ट्रेसर है इरेगुलरिटी की वजह से अप और डाउन, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या रहेगा? हिल्स और वैलीज रहेगा, ठीक है, यानी कि इरेगुलरिटी रहेगा जिसके वजह से ट्रेसर अप या डाउन होता है। सो उससे क्या होगा? ये जो इंडक्शन कॉइल है वो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसे क्या करना पड़ेगा? एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, और रिकॉर्ड करना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेस होने के बाद, यहाँ पे स्टाइलस से जब वो ट्रेस होता है उसके बाद जो इंडक्शन कॉइल जो है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे वोल्टेज इंड्यूस होता है, और ये इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो एम्पलीफाई किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है मीटर में। सो प्रोफाइलोमीटर जो है वो इंडिकेट भी करता है और रिकॉर्ड भी करता है जो कि रफनेस वैल्यू है, और उसका यूनिट होता है माइक्रॉन्स में। सो हमने देखा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोफाइलोमीटर का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।